सीएलसी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑफ डिग्री करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकंड आयनाइज एंथैल्पी ऑफ टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम एंड मैंगनीज। ठीक है ना, आपको बताना है सेकंड आयनाइज एनर्जी का ऑर्डर। तो सबसे पहले मैं क्रोमियम और मैंगनीज का ले लेता हूँ। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा D5S1, जबकि इसका आपके पास क्या होगा D5S2। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर ध्यान सुनना, पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे तो D5S0, और यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे तो D5S1 आएगा। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए हमको सेकेंड इलेक्ट्रॉन को हटाना होता है, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटाएंगे तो देखो यहाँ पे D5S1 है और यहाँ पे D5S0। D5S0 जो है स्टेबल कॉन्फिगरेशन होगा, और अगर स्टेबल कॉन्फिगरेशन होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन को हटाना क्या होगा, मुश्किल होगा। इलेक्ट्रॉन को हटाना मुश्किल होगा, इस वजह से नॉर्मली अगर देखें तो CR एंड MN में सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू CR की क्या होगी, MN के मुकाबले में क्या होगी, ज्यादा। तो देखो CR की MN के मुकाबले में इस केस में आ रहा है, ये वाला थर्ड वाला आपके पास गलत हो जाएगा, ये वाला भी आपके पास क्या हो जाएगा, एक तरह से गलत होगा। ये आपके पास सही हो सकता है, लेकिन आपको मालूम है लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, तो ऑब्वियसली इन दोनों से क्या होगी, ज्यादा। इसलिए आपके पास आंसर कौन सा बड़ा, फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है यहां पे, अमंग द फॉलोइंग विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो देखो ऑक्सीडाइजिंग नेचर में ध्यान रखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, फ्लोरीन। इसलिए आपका आंसर कौन सा आएगा, सेकंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, 53 वाला देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बताना। तो सिंपल सा प्रॉब्लम है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम। O-2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, 10। F- में भी 10, Na+ में भी 10, और Mg+2 में भी कितना आएगा, 10। इसलिए आपका आंसर कौन सा आएगा, फर्स्ट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कह रहा है, आयन हैव लिस्ट साइज इज। देखिए ये चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज देर की, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में पॉजिटिव जहां पे आएगा वहां पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, और जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा होगी, इस वजह से साइज क्या पूछा है, लिस्ट साइज, आपके पास Mg+2 की साइज जो होगी लिस्ट हो जाएगी। 55 वाला प्रोसेस क्या कह रहा है, 55 वाले प्रॉब्लम में जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रॉब्लम ये कह रहा है, द प्रोसेस रिक्वायरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, मतलब किस प्रोसेस के अंदर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। तो देखिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि माइनस में इलेक्ट्रॉन को जोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है। माइनस ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, इस वजह से माइनस में इलेक्ट्रॉन को जोड़ना मुश्किल होता है। और जब भी आप जोड़ रहे हो माइनस में इलेक्ट्रॉन को, तो जाहिर सी बात है आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसलिए एब्जॉर्प्शन एनर्जी किसकी आएगी, थर्ड आ जाएगी। ठीक है बेटा, वाला देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपल सा प्रॉब्लम है, आपको मालूम होना चाहिए नाइट्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो मतलब कार्बन और सिलिकॉन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिलिकॉन की ज्यादा होती है, एंड फॉस्फोरस की अगर बात करें तो फॉस्फोरस सिलिकॉन में ज्यादा किसकी होती है, आपके पास फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिलिकॉन के मुकाबले में ज्यादा होती है। वैसे ही आपको पता है टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा आपके पास किसकी आएगी, नाइट्रोजन की, उसके बाद कार्बन, उसके बाद फॉस्फोरस, उसके बाद सिलिकॉन, तो थर्ड वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला वाला प्रॉब्लम, NO2 K2O एंड ZNO इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अल्कलीन कैरेक्टर, मतलब बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछा है। तो सिंपल सी बात है, लेफ्ट टू राइट जाने पे बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ऑक्साइड में लेफ्ट टू राइट में बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, Na2O का, उसके बाद K2O का, उसके बाद में ZNO, और उसके बाद में आपके पास किसका आएगा, एक तरह से NO2 का। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, फर्स्ट के अंदर आया, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्विनॉइड। सिंपल सी बात है, ज्यादा कोई हार्ड प्रॉब्लम नहीं,
आपको बताया कि कौन सा एक्टिनोइड नहीं, कौन सा नहीं है, तो टर्बियम आपके पास क्या होगा, एक्टिनोइड नहीं होगा। अगला प्रॉब्लम देखिए, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज -2.18 × 10⁻⁴ जूल पर एटम में दे रखी है। इसको थोड़ा सा देखिए प्रॉब्लम को, यहां पे क्या कह रहा है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दे रखी है आपके पास ये वाली, ठीक है। आईने से एंथैल्पी निकालनी, तो आईने एंथैल्पी को हम ऐसे कर सकते हैं कि ई इंफिनिटी है, एनर्जी इंफिनिटी माइनस क्या लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, जीरो के बराबर, ठीक है ना। इन्फिनिटी पे एनर्जी एक तरह से जीरो के बराबर, क्योंकि एन की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाला क्या होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे वैल्यू पुटोगे तो -2.18 × 10⁻¹⁸ जूल पर एटम में आ रही, ठीक है ना। लेकिन हमको चाहिए क्या, किलो जूल पर मोल के अंदर, तो एक एटम के लिए इतनी है, एक मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, एन, तो एन एटम्स के लिए एनर्जी कितनी होगी, -2.18 × 10⁻¹⁸ इंटू क्या आएगा, 6.023 × 10³, ठीक है ना। ये आएगी आपके पास जूल पर मोल के अंदर। अब हमको चाहिए क्या, किलो जूल पर मोल में, और किलो जूल में चाहिए तो हम उनको क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपके पास किलो जूल में वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर कौन सा आएगा, थर्ड वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए बेटा, आपको क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट यूनिट, किसकी यूनिट नहीं होती, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की यूनिट नहीं होती, और साथ साथ मेटालिक कैरेक्टर की कोई यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगला 61 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज द हाईएस्ट आइनस एनर्जी, आपको बताना क्या फर्स्ट हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी। तो सिंपल सी बात है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो आपके पास कौन सा आएगा, स्कैंडियम आ जाएगा। 62 वाला प्रॉब्लम देखिए, आपको क्या पूछा है, इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव, तो जेड इफेक्टिव का इन करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो सिंपल सी बात है, एफी एपी प्लस टू और एपी प्लस थ्री में जेड इफेक्टिव वैल्यू एपी प्लस थ्री की क्या होती है, ज्यादा होती है, एफी की आपके पास क्या होती है, कम होती है। बात समझ में आ रही, तो इसमें ये वाला ऑर्डर आपके पास क्या होगा, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड में ये वाला ऑर्डर सही, फोर्थ वाला भी ऑर्डर सही, फर्स्ट वाला भी, थर्ड वाला भी ऑर्डर सही, तो आपका कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगले वाली प्रॉब्लम, द आयनिक रेडियस एन माइनस थ्री ओ माइनस टू एन एफ माइनस में आपको आयनिक रेडियस का ऑर्डर बताना है। तो देखिए n माइनस थ्री ओ माइनस टू एन एफ माइनस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में रेडियस का ऑर्डर कौन सा आएगा आपके पास, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे हाईएस्ट रेडियस n माइनस थ्री की होनी चाहिए, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसमें आ रही है, फिर बाद में ओ माइनस टू होनी चाहिए, इसके बाद में ये वाली आ रही है, और ये वाली सबसे कम आ रही है, इसलिए आपका आंसर कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला आ जाएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसैकेराइड, सिंपल सा क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल का क्या कह रहा है, कौन सा मोनोसैकेराइड है, तो सेलुलोज पॉलीसैकेराइड होता है, ग्लाइकोजन भी पॉलीसैकेराइड होता है, फ्रक्टोज जो है मोनोसैकेराइड होता है, सुक्रोज डाइसैकेराइड होता है, तो इसका आंसर थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, कौन सा फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता, तो सिंपल सी बात है, जितने भी मोनोसैकेराइड होते वो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करते, ठीक है। डाइसैकेराइड में सुक्रोज रिड्यूस नहीं करता है, तो इसका आंसर कौन सा आएगा, सुक्रोज। नेक्स्ट चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर इज बीटा डी ग्लूकोज, देखो सेलुलोज का मोनोमर बीटा डी ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोजन का भी बीटा डी सॉरी ग्लाइकोजन का अल्फा डी ग्लूकोज होता है, एमाइलोज का अल्फा डी ग्लूकोज, जबकि एमाइलोपेक्टिन का अल्फा डी ग्लूकोज, तो बीटा डी ग्लूकोज चाहिए ना, तो आपका आंसर कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, आपको बताना है कौन सा ट्रू नहीं है, तो सिंपल सी बात है, आपको अमीनो एसिड में आपने पढ़ा होगा दो टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, एक तो आपके पास कौन सा होता है इसेंशियल, और दूसरा आपके पास कौन सा होता है नॉन एसेंशियल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आर्जिनिन इज इसेंशियल अमीनो एसिड, सही बात है। फिर बाद में दूसरा क्या कह रहा है, एलेनिन इज नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ये भी बात सही है। एस्पार्टिक एसिड इज नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ये भी बात सही है।
और एस्पारजिन इज इसेंशियल अमीनो एसिड, ये वाली बात आपके पास क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ध्यान रखना ए वाले जो होते हैं ना, ए वाले, जैसे कि आपके पास ए वाला है, तो ए के ए से जो स्टार्ट होने वाले अमीनो एसिड है, ए से स्टार्ट होने वाले अमीनो एसिड में केवल और केवल आर्जिनिन जो होता है वो क्या होता है, इसेंशियल होता है, बाकी सभी क्या होंगे, नॉन इसेंशियल। और ध्यान रखिए एस्पारजिन है, एस्पारजिन जो होता है नॉन इसेंशियल होता है, यहाँ पे आपके पास इसेंशियल दे रखा है, इसका आंसर कौन सा आएगा, फोर्थ वाला आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अगला प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फर एटम इज प्रेजेंट, किस में सल्फर एटम प्रेजेंट होता है। तो सिंपल सी बात है, सल्फर एटम आप अगर देखोगे ना इसके अंदर, थ्रियोनिन में सल्फर एटम प्रेजेंट नहीं होता। थ्रियोनिन का मतलब एक तरह से ऐसे कह सकते हो टी वाला स्ट्रक्चर, ठीक, टी मतलब यहाँ पे सी एच थ्री सी एच, यहाँ पे सी एच थ्री, इस टाइप का स्ट्रक्चर आ जाएगा, एक तरह से यहाँ पे सी एच एन एच टू और यहाँ पे क्या आएगा सी एच, तो टी टाइप में इसमें कोई सल्फर एटम नहीं आ रहा, तो फर्स्ट आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड मीथियोनिन, मीथियोनिन कैसे ध्यान रखें एम, ठीक है ना, एम तो एम का मतलब क्या होगा, एम यहाँ से देखोगे तो ये एस जैसा इस टाइप का नजर आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, एस इस टाइप का, इसके स्ट्रक्चर में सी एस थ्री होता है, यहाँ पे बीच में एस होता है, आगे क्या है वापस सी एच टू, तो इसके अंदर सल्फर एटम प्रेजेंट है, इसलिए आपका आंसर कौन सा आएगा, सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो एकदम सिंपल है, जितने भी नाइलॉन ने एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, नाइलॉन टू नाइलॉन सिक्स जो होता है ना वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। एक आपने पीएचबीबी भी पढ़ा होगा, यहाँ पे नाइलॉन टू नाइलॉन सिक्स जो है वो बेसिकली आपके पास क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। अगला प्रॉब्लम, विच आर द मोनोमर्स ऑफ नाइलॉन सिक्स सिक्स, नाइलॉन सिक्स सिक्स के मोनोमर जो होते हैं हेक्सामेथिलीन डाइमीन एंड एडिपिक एसिड, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, ठीक है ना, वाटर वेपर्स टेम्परेचर को राइज करते हैं, ग्रीन हाउस गैस है, मिथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं भाई, ध्यान रखे ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं। आपको क्या पूछा है, अगला विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, आपको बताना है फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, मोनोमर ऑफ नाइलॉन सिक्स इज कैप्रोल एटम, एकदम सही बात है। सेकेंड वाला क्या कह रहा है, बैकेलेट इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर, एकदम सही बात है। बुनाइन इज फाइमर, गलत बात, बुना एन जो होता है ना एक रबर है, तो रबर बेसिकली क्या होते हैं, इलास्टोमर्स होते हैं, फाइबर्स नहीं होते, तो आंसर थर्ड वाला आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द पीएच ऑफ रेन वाटर बिकम्स लेस देन इट इज कॉल्ड एसिड रेन, तो ये वैल्यू डाटाबेस से याद रखनी है आपको कि भाई एसिड रेन कब कहलाएगी, जब पीएच की वैल्यू जो है आपके पास 5.6 से कम हो। अगला प्रॉब्लम, विच पेयर इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं, तो देखो नाइलॉन सिक्स का तो मोनोमर जो होता है वो नाइलॉन सिक्स का मोनोमर कैप्रोलैक्टम होता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास दूसरा आ रहा है क्लोरोपिक्रिन आ रहा है, तो इसलिए आपका आंसर कौन सा फर्स्ट गलत हो जाएगा, तो बाकी को सही है, फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। बारबिट्यूरिक्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग, सिंपल सी बात है, बारबिट्यूरिक एसिड के जो भी डेरिवेटिव होते हैं ना, नॉर्मली सेकुलर वलोनल जो भी है, ल्यूमिनल, ये ट्रैंक्विलाइजर के रूप में यूज होते हैं, ठीक है, तो फोर्थ आ जाएगा आंसर। अगला प्रॉब्लम क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट करेक्ट, आपको बताना है कौन सा ग्राफ करेक्ट नहीं है, ठीक है, ये बात अलग अलग रिएक्शन के लिए पूछा गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो भी है, ठीक है। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ध्यान रखना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने आपको बताया भी था कि जो टी आपकी वैल्यू जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो फर्स्ट वाला ग्राफ तो क्या है, सही होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, आपको रिलेशन पता है ए इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के टी प्लस साथ में कितना आएगा ए नॉट, ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ोगे तो कंसंट्रेशन का ग्राफ कम होता जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। थर्ड क्या कहे, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लॉग के वर्सेस, देखो इसमें रिलेशन आपको पता होगा कि लॉग ए इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के टी प्लस साथ में क्या आएगा लॉग ए नॉट, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ोगे ना तो लॉग ए की वैल्यू क्या आएगी, कम हो जाएगी, मतलब एक तरह से स्ट्रेट लाइन का कर्व मिल जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। आपके पास पूछा गया फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी आपकी वैल्यू जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जबकि इसमें तो टी आपकी वैल्यू जो है
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट आएगा, तो या ये वाला ग्राफ आपका गलत हो जाएगा। आपको पूछा क्या गया है, नॉट करेक्ट, तो आंसर कौन सा आएगा, फोर्थ वाला आ जाएगा। अगला प्रॉब्लम देखिए, विच ऑफ दी नॉट ट्रू फॉर दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा ट्रू नहीं, यूनिट ऑफ के इज मोल लिटल इनवर्स सेकंड इनवर्स, सही बात है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देखिए ये तो आपको रिलेशन पता है, रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, के ए की पावर जीरो, ठीक है, तो ए की पावर जीरो तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है, वन, तो रेट जो है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, ये भी बात क्या हो जाएगी, सही। हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की जो वैल्यू है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो ये भी स्टेटमेंट सही। द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, गलत बात, क्योंकि रेट जो है वो किसके बराबर, के के बराबर, और के की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, इसलिए आपका ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स होगा। पूछा क्या गया, नॉट ट्रू, तो आंसर कौन सा आएगा, फोर्थ वाला। देखिए प्रॉब्लम क्या करें, 78, फॉर द गिवन ग्राफ्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ठीक है, आपको बेसिकली ग्राफ के बारे में दे रखा है, ठीक है, तो लॉग के पी वर्सेज 1 बाई टी के बीच में, तो आपको के इक्विलिब्रियम के बारे में दिया, के इक्विलिब्रियम बराबर क्या होता है, ए ई की पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, ठीक है, तो जाहिर सी बात इसका लॉग लोगे ना, तो लॉग लोगे तो लॉग के पी वर्सेज 1 बाई टी के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, सही स्टेटमेंट, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लॉग एक्स बराबर लॉग एक्स और टी के बीच में, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या था, लॉग ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग ए नॉट के बराबर, तो इसका मतलब क्या है, के साथ वेरी करोगे तो स्ट्रेट लाइन की स्टेटमेंट सही, ठीक है। एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम लॉग पी, बेसिकली यहाँ पे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर लॉग पी वर्सेज लॉग 1 बाई टी के बीच में ग्राफ, ध्यान रखना लॉग पी वर्सेज 1 बाई टी के बीच में, तो लॉग लोगे तो आपको ये तो पता है कि पी वी बराबर क्या होता है, एन आर टी होता है, तो उसको इधर की तरफ लेके जाओ तो पी बराबर क्या होगा, एक तरह से इधर की तरफ लेगा तो 1 बाई वी, सॉरी यहाँ पे 1 बाई टी के बीच में, टी की वैल्यू टी की बात करूं तो पी प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, टी आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये यहाँ पे टी है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे पी प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, टी आ जाएगा, तो यहाँ पे लॉग लोगे ना तो लॉग की वैल्यू में इसमें रिलेशन नहीं आएगा क्योंकि नीचे की तरफ दे रखा है, इसलिए आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, थर्ड वाला। ध्यान दीजिए, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी दे रखा, तो पी वी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है, तो यहाँ से क्या आएगा, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, वी, अब इन दोनों में ग्राफ बनोगे ना तो वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है, तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, इसका आंसर कौन सा बड़ा, थर्ड आएगा। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे 1 बाई टी होगा। नेक्स्ट देखिए, आपको पूछा क्या गया, देखिए यहां पे आपके पास एक ग्राफ दे रखा है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन और डेल्टा एच की वैल्यू निकाल, तो ध्यान दीजिए यहां पे टोटल 70 है, यहाँ पे 40 आ रहा है, पहले तो थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू बार, ये टोटल एनर्जी जो होती है ना इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी बेसिकली कितनी होगी, टोटल 70 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। आगे देखो, ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी, ये इतनी वैल्यू होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो ये 70 में से 30 को, 70 में से 40 को घटा दी, तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 30 के बराबर, ठीक है। अच्छा डेल्टा एच की वैल्यू की बात करें तो डेल्टा एच तो ये वाला होता है ना, तो यहाँ पे 40 में से कितना घटा दीजिए, 15 घटा दीजिए, तो 14 में से 25 घटा दीजिए, आपके पास कितना आएगा, 15 के बराबर आएगा, और रिवर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में ऑपोजिट में लेके जाओगे तो ऑपोजिट में तो एक्टिवेशन इतनी चाहिए ना, तो 70 में से कितना आएगा, 25, 70 में से 25 घटाओगे तो कितना आएगा, एक तरह से 45 आएगा, तो बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू 45 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितनी आएगी, 30 के बराबर, तो इसका 30 आ जाएगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी टोटल कितनी होगी, 70। फिर क्या पूछे, एक्टिवेशन रिवर्स, रिवर्स में 70 में से 24 घटाया था तो 45 आ जाएगी, और डेल्टा एच की वैल्यू 40 माइनस 25 कितनी आएगी, 15 के बराबर, बाकी आपको जस्ट सामने वाली से मैच कराना है। एटी वाला प्रॉब्लम देखिए क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है रेट लॉ, आपके पास रेट लॉ दे रखा है, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एम, साथ में क्या है बी की पावर एन दे रखा है, ठीक है बेटा। यहां पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल एंड बी इज हाफ, ए का घन इनिशियल रेट में आर1 मान लेते हो, आर2 कर लेते हो, क्या यहां पे आपके पास क्या है, ए को डबल किया है तो 2a की पावर m आ जाएगा,
और बी को क्या किया, हाफ किया, तो बी को हाफ किया तो इसका मतलब क्या होगा, एक तरह से बी डिवाइड बाई टू की पावर एन के बराबर आ जाएगा। आगे देखिए, व्हाट विल द रेशियो ऑफ रेट एंड ओरिजिनल रेट ऑफ रिएक्शन, रेशियो बताना है, मतलब आर टू डिवाइड बाई आर वन की वैल्यू बतानी, तो इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या टू की पावर एम डिवाइड बाई क्या, एक तरह से टू की पावर एन, तो ये कितना होगा टू की पावर एन माइनस एन के बराबर हो जाएगा, जो कि किसमें मैच कर रहा है, थर्ड के अंदर। तो आंसर कितना आएगा बड़ा, थर्ड। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ध्यान दीजिए, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे रखी, अलग अलग स्टेप में रिएक्शन आता रहोगे, ठीक है ना, तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना कुल मिला के, तो रेट डिटरमाइंड होती है स्लोवेस्ट स्टेप, ठीक है, तो स्लोवेस्ट स्टेप में रेट बराबर क्या आएगा भाई, के ए मल्टीप्लाई बाई क्या आएगा, बी टू आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन ए जो आ रहा है वो तो क्या है, इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट को रेट लो एक्सप्रेशन में नहीं लेना है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा, तो इसके लिए अपने पास ये वाला फर्स्ट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेंगे, तो फर्स्ट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, ए का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आएगा, ए टू, ठीक है ना बड़ा। अब यहां से हम ए का कंसंट्रेशन निकाल देते, ए का कंसंट्रेशन आएगा के इक्विलिब्रियम इंटू ए टू की पावर कितना आएगा, पूरे के ऊपर 1 बाई टू के बराबर आ जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करो, तो रेट बराबर क्या आएगा, के ए आपके पास क्या है, के इक्विलिब्रियम ए टू आ गया, यहाँ पे क्या आएगा पावर 1 बाई टू, और साथ में बी टू अपने पास था ही, अगर देखोगे ना तो इसकी तो पावर 1 बाई टू है, इसकी कितनी आ रही है 1, तो टोटल ऑर्डर क्या आएगा 1 बाई टू प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बाई टू, दैट विल बी 1.5, इसका मतलब ऑर्डर जो होगा वो कितना आएगा 1.5। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पे जरा ध्यान दे, प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि आपके पास कोई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द रिएक्शन ए टू बी, ये इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये दे रखिए, एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्सिबल, तो रिवर्स रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, तो वो तो डिपेंड करेगा कि प्रोसेस कौन सा है, ठीक है ना, प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक होता है, ऐसा तो लिखा नहीं कि भाई कौन सा प्रोसेस है, तो अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, और प्रोसेस एक्सोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक होता है तो बैकवर्ड डायरेक्शन की ज्यादा होगी, तो इसमें सर्टेनली हम कैसे कह नहीं सकते जब तक प्रोसेस के बारे में नहीं लिखा हो, यहाँ पे प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो है ना वो ज्यादा भी हो सकती है या फिर आपके पास क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है, इसलिए आंसर फोर्थ आ जाएगा। 83 वाला प्रॉब्लम ध्यान दीजिए, 83 वाला प्रॉब्लम एकदम सिंपल है, प्रॉब्लम क्या पूछा गया है, देखिए रेट कॉन्स्ट ऑफ टू डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, आपके पास केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन दे रही है, सिंपल तरीके, आपको के वन बराबर के टू करना है, तो इन दोनों वैल्यू को बराबर करना है, एक तरह से 10 रेज पावर 16 इंटू ई की पावर माइनस 2000 अपॉन टी इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 रेज की पावर 15 ई की पावर माइनस 1000 डिवाइड बाई टी, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10 बच जाएगा, ठीक है ना, तो ये एक तरह से यहाँ पे 10, इस तरफ दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, तो ln 10 हो गया, ln 10 e रेज की पावर माइनस 2000 अपॉन में क्या आएगा t इज इक्वल टू e की पावर, मतलब ln ले लोगे आप e की पावर, ln e की पावर माइनस 10000 डिवाइड बाई टी, तो उसको वैल्यू पुट अप कर लीजिए, और लॉग को किस में करना, ln 10 को डायरेक्ट अगर बेस 10 में करना 2.303 लॉग 10 लोगे, तो इससे आप सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर जो आएगा एक तरह से फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी, देखो अपने पास फॉर्मूला जो है ना, ध्यान दीजिए फॉर्मूला के का फॉर्मूला है, रेट कॉन्स्टेंट के बारे में पूछा, के इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है ना, अगर ई ए की वैल्यू में जीरो ले लो तो ई ए की वैल्यू जीरो होगा तो के बराबर क्या आएगा, ए आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा, तो क्या टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, क्या नहीं करेगा, ध्यान रखिए ई ए की वैल्यू जीरो होना तो रेट कॉन्स्टेंट जो है इनडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, फोर्थ वाला जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी देखो थोड़ा सा ध्यान सुनिए, यहां पे आप पास रेट कॉन्स्ट रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इतनी देर की, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट दे रही 10 सेकंड पे, और फिर ये वाली वैल्यू दे रही 20 सेकंड पे, ठीक है, द हाफ लाइफ पीरियड टी आपकी वैल्यू निकाल, तो देखो आपने एक वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू क्या आएगा 2.303 अपॉन के लॉग, यहाँ पे क्या आएगा a1 डिवाइड बाई a2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, a1 डिवाइड बाई
ए टू, तो टी टू माइनस टी वन, तो टी टू कितना है 20 है, माइनस कितना आएगा 10, ठीक है, इजिकल टू 2.303 अपॉन में क्या आएगा के लॉग, यहाँ पे क्या आएगा ए वन डिवाइड बाई ए टू। एक चीज ध्यान रखिए, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा ए, इनिशियल सॉरी कंसंट्रेशन की पावर क्या आएगा एन, एन की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, ऑर्डर 1 है, तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हो आर वन डिवाइड बाई आर टू जो होगा ना वो ए वन डिवाइड बाई ए टू, और इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ ए आर वन डिवाइड बाई आर टू लिखा जा सकता है। आर वन की वैल्यू दे रखी है, आर टू की वैल्यू दे रखी है, उसको इसमें पुटअप कर लीजिए तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा के की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी बड़ा के, और के जब आ जाएगा ना तो सिंपल सी बात है टी आपकी वैल्यू आएगी 0.693 अपॉन के, के की वैल्यू आपने निकाल दी, इससे कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 24.1 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आता है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। वाला क्या कह रहे हैं ध्यान दीजिए, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन एक्सप्रेशन बताना कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, डी ए बाई डी टी का, तो ए टू के वन के टू, देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन में रेट कैसे लिखोगे, रेट ऐसे लिखोगे रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस क्या करोगे रेट ऑफ बैकवर्ड, फॉरवर्ड की रेट कैसे लिखोगे बराबर, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा के वन ए टू एलिमेंट्री रिएक्शन, तो इसका कोफिशियंट ले सकते हैं, माइनस क्या आएगा बैकवर्ड में क्या आएगा के माइनस वन, ये नीचे वाला माइनस वन है के माइनस वन, और ए का कितना आएगा स्क्वायर के बराबर। अच्छा रेट को डी ए बाई डी टी की टर्म में, मतलब इसके टर्म में क्या लिख सकते हो वन डिवाइड बाई टू डी ए बाई डी टी के टर्म में लिखा जा सकता है, इस टू को आप इधर ले लीजिए क्योंकि आपको डी ए बाई डी टी की वैल्यू निकालनी, इस टू को इधर ले तो टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा आएगा आपके पास थर्ड वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, द रिएक्शन टू एक्स बी इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.2 द हाफ लाइफ इज 6 आवर्स, ठीक है ना, तो इनिशियल कंसंट्रेशन 0.2 दे रखा है तब आपके पास हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी दे रखी है एक तरह से 6, आपको पास फॉर्मूला पता है टी हाफ इजिकल टू कितना दे रखा है आपको मालूम है ए नॉट डिवाइड बाई क्या होता है 2 की, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन अपने पास कितना दे रखा है 2 दे रखा है 0.2, तो वैल्यू पुटअप कर लीजिए टी हाफ की वैल्यू, यहाँ पे आपके पास क्या है टी आप की वैल्यू जो है 6 आवर्स है इजिकल टू क्या आएगा ए नॉट की वैल्यू कितनी देर गई 0.2 अपॉन में क्या आएगा एक तरह से 2 क्या आ जाएगा ये आपस में कट गया तो 0. कितना आएगा 1, तो के की वैल्यू कितनी आएगी 0.1 डिवाइड बाई कितना हो गया 0.1 डिवाइड बाई 6 के बराबर, तो के की वैल्यू कितनी आएगी 1/60 के बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज 0.5 द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ 0.2, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर इतना हो तो फाइनल इतना के लिए टाइम कितना चाहिए, तो सिंपल सी बात है ए इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या माइनस के टी प्लस साथ में क्या आएगा ए नॉट के बराबर, ठीक है, आपके पास ए ए होता है अपने पास फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कितना है 0.2 के बराबर, के की वैल्यू अपने बनाई थी माइनस 1/60 के बराबर, ठीक है ना, इंटू टाइम ए नॉट की वैल्यू कितनी ले रही है अपने 0.5, वैल्यू सॉल्व करनी T की वैल्यू आ जाएगी 18 आवर्स के बराबर, आंसर 18 आ जाएगा, ठीक है भाई। अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन, सिंपल सी बात है कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, तो सेकेंड आ जाएगा भाई। मेजर बाइंडिंग फोर्स इन द डायमंड सिलिकॉन एंड क्वार्ट्ज, डायमंड सिलिकॉन एंड क्वार्ट्ज के अंदर एक तरह से ये वाले जो है कोवेलेंट सॉलिड, और कोवेलेंट सॉलिड में जो बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड फोर्स प्रेजेंट होता है, तो इसका थर्ड आ जाएगा। अगला देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सी एस प्लस एंड सी एल माइनस इन सी एस सी एल क्रिस्टल, सिंपल सी बात है सी एस सी एल क्रिस्टल के अंदर सी एल माइनस एफ सी सी को सॉरी कॉर्नर को ऑक्यूपाई करता है जबकि सी एस प्लस बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होता है, और बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होगा तो कॉर्डिनेशन नंबर कितना आएगा ए, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स होगा कौन सा एक तरह से कॉर्डिनेशन नंबर होगा 8:8 वाला हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वाला 91 वाला प्रॉब्लम क्या करें, एनएसएल टाइप क्रिस्टल कॉर्डिनेशन नंबर 6.6 दे रखा है और सी एस सी एल में कन्वर्ट करना है, तो जाहिर सी बात है उसको कॉम्पैक्ट बनाना है कॉर्डिनेशन नंबर कन्वर्ट करना, तो सिंपल सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा एंड टेम्परेचर आपको क्या करना पड़ेगा लो लेना पड़ेगा, ठीक है, ये कंडीशन होगी,
और इसके अंदर जो फुलफिल हो रही है कंडीशन वो केवल आपके पास पहुंची होती है हाई प्रेशर में, थर्ड वाला नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दे दिया, जबकि हमको चाहिए क्या, हाई प्रेशर चाहिए एंड लो टेम्परेचर चाहिए। ठीक है भाई, इसका आंसर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, 92 इन द फेस सेंटर यूनिट सेल एज लेंथ इज, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम, एफसीसी के अंदर 4R इज इक्वल टू कितना होता है, रूट टू ए के बराबर, आपको ए की वैल्यू चाहिए तो 4R डिवाइड बाय क्या आएगा, रूट टू के बराबर, सेकेंड आंसर आ जाएगा। इंटरआयनिक डिस्टेंस इन सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल, ध्यान देना सीजियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होता है ना इसके अंदर CS प्लस जो है बॉडी के सेंटर पे होता है, ठीक है ना, बॉडी सेंटर पे, क्योंकि Cl माइनस कहां पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपके पास ये वाला दे रखा है एक तरह से, ये कॉर्नर है और यहाँ पे CS प्लस है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी, तो ये पूरा बॉडी डायगनल होगा, बॉडी डायगनल की जो लेंथ होती है कितनी होती है, एक तरह से रूट थ्री ए बाई रूट थ्री ए के बराबर, तो इसका हाफ करोगे तो जाहिर सी बात क्या आएगा, रूट थ्री ए बाई टू के बराबर, आपको सी एस प्लस और सी एल माइनस के बीच में, मतलब आप पास आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव का कैलकुलेशन करना है, वो कितना आएगा, रूट थ्री ए बाई टू के बराबर, तो ऐसा ऑप्शन मैच किसमें करा, थर्ड के अंदर, तो आंसर कितना आएगा, थर्ड। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिए, ए क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ पार्टिकल एक्स वाई जेड फॉर्म्स एफसीसी पैकिंग, ठीक है ना, वाई ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ एक्स, देखो एक्स है और दूसरा वाई है और तीसरा आपके पास क्या दे रखा है, जेड, ठीक है ना, एक्स एफसीसी को ऑक्यूपाई करता है तो एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, चार, ठीक है, फिर क्या कह रहा है, वाई ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो सिंपल सी बात है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बेसिकली एक तो एज के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं और दूसरा बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होते, तो सिंपल सी बात है आपके पास ऑल ऑक्टाहेड्रल जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने ही आपके पास क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो एक तरह से ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, तो इसमें फोर आ जाएगा। फिर वन जेड ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ एक्स, टेट्राहेड्रल वॉइड जस्ट डबल होते तो फोर, तो ऑल टेट्राहेड्रल मतलब टू फोर आ जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब एक तरह से ध्यान रखना बॉडी के डायगनल पे प्रेजेंट होते हैं, वन फोर्थ डिस्टेंस ऑफ द लेंथ ऑफ बॉडी डायगनल फ्रॉम द कॉर्नर। आगे क्या, ऑल एटम्स आर ऑल एटम्स ऑफ पार्टिकल अलोंग द बॉडी डायगनल आर रिमूव्ड, मतलब एक बॉडी डायगनल के अलोंग में आपके पास जितने भी एटम्स प्रेजेंट हो रहे ना उसको आपने रिमूव किया तो क्रिस्टल का नया फॉर्मूला क्या बने, तो देखिए किस तरीके से करना है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं एक्स और यहाँ पे वाई और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, जेड आएगा। हम बात करते हैं एक बॉडी डायगनल से जितने भी एलिमेंट है उसको आप रिमूव करो, तो जाहिर सी बात है दो तो कॉर्नर से हट जाएंगे, एक बॉडी के सेंटर से हट जाएगा और तीसरा जो हटेगा बॉडी डायगनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड भी प्रेजेंट होते हैं तो दो टेट्राहेड्रल वॉइड भी हट जाएंगे। अब देखो एक्स एफसीसी को ऑक्यूपाई कर रहा है, एफसीसी में फेस के सेंटर पे होगा और बॉडी के कॉर्नर पे होगा, फेस के सेंटर पे और दूसरा कहां पे होगा, बॉडी के कॉर्नर्स पे, कॉर्नर्स पे आपके पास क्या प्रेजेंट होगा, एक तरह से एफसीसी, एफसीसी में पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे मैं एक्स के ले हूं, एक बॉडी डायगनल के अलोंग आपने हटा दिया तो दो कॉर्नर हट जाएंगे, तो बचेंगे कितने कॉर्नर, 10 कॉर्नर, ठीक है, सॉरी टोटल कॉर्नर 8 होते तो बचेंगे कितने आपके पास, एक तरह से 6 कॉर्नर बचेंगे, तो 6 इंटू इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 प्लस 7 में, इसके साथ में क्या करोगे, देखो फेस के सेंटर पे तो फेस पे टोटल फेसेस कितनी आपके पास, 6 है और इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2, फेस से कोई एटम रिमूव नहीं किया तो एक्स का तो आपके पास ये वाला आएगा, वाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है, ध्यान देना ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पे प्रेजेंट होता है, एज के सेंटर पे, टोटल एजेस होती कितनी है 12, एक का कंट्रीब्यूशन कितना 1/4 प्लस 7 में बॉडी के सेंटर पे भी तो प्रेजेंट होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, लेकिन एक जब बॉडी डायगनल से रिमूव करोगे ना तो सेंटर वाला हट जाएगा, इसलिए सेंटर वाला कितना होगा, 0। जेड किसको ऑक्यूपाई कर रहा है बताइए, जेड जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है, तो सिंपल सी बात है टेट्राहेड्रल वॉइड जो है ना बॉडी डायगनल पे प्रेजेंट होते हैं, एक एक क्यूब के अंदर टोटल बॉडी डायगनल होते हैं 4, एक बॉडी डायगनल पर दो टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते और एक बॉडी डायगनल को आपने क्या कर लिया, रिमूव कर लिया, बचेंगे कितने बॉडी डायगनल, बचेंगे आपके पास बॉडी डायगनल 3 बच जाएंगे और तीनों पे कितने प्रेजेंट होंगे बताइए, तीनों पे एक पे दो दो तो तीन पे कितने आएंगे, 6, यहाँ पे 6, इनका आपको क्या करना है, जस्ट आपको
रेशियो निकालना। तो पहले आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है और उसके बाद में क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है। देखिए ये कितना आएगा, एक तरह से 3 बाई आपके पास 4 प्लस 3 बाई 4 प्लस ये कितना आएगा 3 रेशियो। यहाँ पे कितना आया, एक तरह से 3 आया, यहाँ पे कितना आया 6 आया, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा 9 डिवाइड बाई 4 आ गया, रेशियो आपके पास कितना आएगा, ये कितना आएगा 3 और यहाँ पे कितना आएगा 6, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से काट लीजिए, तो यहाँ पे 3 बाई 4, यहाँ पे 1, 3 से काट लीजिए तो यहाँ पे क्या आएगा 2, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 4 से, 4 से मल्टीप्लाई करो 3, रेशियो कितना आएगा आपके पास एक तरह से, सॉरी ये प्लस 1 भी था, 3 से हट गया ना एक तरह से, यहाँ पे आपके पास प्लस 1 भी 3 से डिवाइड किया तो ये 5 बाई 4 है, तो ये 5 बाई 4 हो गया, तो 4 से मल्टीप्लाई, तो 5 रेशियो 4 रेशियो 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे कितना आएगा 8 के बराबर। तो यहाँ पे जो बनेगा एक्स 5 वाई 4 और जेड 8, वो ये जो मैच कर रहा है आपके पास फोर्थ ऑप्शन में मैच कर रहा है, इसलिए आंसर कौन सा आएगा, फोर्थ। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अगला प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ द डायमंड। तो सिंपल सी बात है, डायमंड के अंदर पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 8 होते हैं, सिंपल सी बात है, टेट्राहेड्रल वर्ल्ड को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। अगला प्रॉब्लम, द वैकेंट स्पेस इन बीसीसी यूनिट सेल, देख बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी 68%, तो वैकेंट स्पेस 100 माइनस 68 कर लीजिए 32, तो आंसर इसका कितना आएगा 32। आगे क्या कर, द एलिमेंट हैज फेस सेंटर स्ट्रक्चर विद एज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वर्ल्ड। तो सिंपल सी बात है, नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वर्ल्ड का आपको क्या बताना है, एक तरह से डिस्टेंस बताना है। तो टेट्राहेड्रल वर्ल्ड बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, कहां पे प्रेजेंट होता है, बॉडी डायगोनल। तो यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से बॉडी का कोई डायगोनल ले लीजिए आपने, ये वाला ले लिया, ये एक ऐसा ले लिया, एक बॉडी का डायगोनल इस जगह पे आपके पास प्रेजेंट होता है, बॉडी डायगोनल इस जगह पे आपके पास टेट्राहेड्रल वर्ल्ड प्रेजेंट होंगे, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल। तो एक तरह से ये वाला क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पे ट्रायंगल है और यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 1 होगी, ये आपके पास दो टेट्राहेड्रल वर्ल्ड है, यहाँ पे आपने रख दिया, ठीक है। अब देखो मिड पॉइंट, ये जो होता है ना टेट्राहेड्रल वर्ल्ड, इन दोनों ये सेंटर है, सेंटर और कॉर्नर का मिड पॉइंट होता है, ये भी आपके पास क्या होगा, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये ए डिस्टेंस होती है कितनी आएगी आपके पास, ए बाई टू, तो दो टेट्राहेड्रल वर्ल्ड के बीच में नियरेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो कितनी होती है, ए बाई टू, तो आंसर ए बाई टू आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 98, विच ऑफ द फॉलोइंग सो लाइकली टू शो फ्रैंकल एंड शॉर्ट, सिंपल सी बात है एनसीईआरटी का प्रॉब्लम में AGBR जो है ना फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट दोनों शो करता है, फर्स्ट आ जाएगा। अगला बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमोर्फस सॉलिड, तो एमोर्फस ग्रेफाइट क्रिस्टलिन होता है, क्रोम एलिम्बिक क्रिस्टलिन, सिलिकॉन कार्बाइड नेटवर्क सॉलिड होता है, क्रिस्टलिन होगा, ग्लास जो होगा वो आपके पास एमोर्फस सॉलिड होगा, सेकंड आ जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए टेट्राहेड्रल वर्ल्ड इन एफसीसी इज फॉर्म बाय, सिंपल सी प्रॉब्लम है कि तीन एफसीसी जो है ना, तीन मतलब क्या हुआ, एक तरह से तीन फेस सेंटर, ठीक है ना, तीन फेस सेंटर एंड वन कॉर्नर आपस में मिलके क्या करते हैं बताइए, कहां पर, बॉडी के डायगोनल पर क्या करते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ल्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो तीन फेस सेंटर और वन कॉर्नर, तो आंसर इसका क्या आएगा, सेकंड। थैंक यू वेरी मच।